देखिए, मेरे हिसाब से श्रद्धा वाले केस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहा है कि श्रद्धा के पास जो सपोर्ट होनी चाहिए थी फैमिली की, वो मिसिंग थी। तो एक और पूरा कम्युनिकेशन गैप था, कम्युनिकेशन था ही नहीं। तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है, आप घर वालों को जाके, पेरेंट्स को, जैसे जैसे मर्जी आपकी रिलेशनशिप हो, अगर ख़राब भी हो, अगर आप कुछ भी इस तरह की बात शेयर करते हैं, तो दूसरी साइड भी आपको एक अच्छे तरीके से समझाएगी आपको क्या आपके लिए अच्छा है बुरा है। अनफॉर्चुनेटली उसकी अपनी माँ के साथ थी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बट वो शी पास्ड अवे। इसके अलावा इन इसके श्रद्धा के पेरेंट्स के बीच में आपस में मनमुटाव था, जिसके कारण पिता एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स कुछ समय के लिए छोड़ के घर चला गया था। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो एक नॉर्मल हेल्दी रिलेशनशिप फैमिली की होती है आपस में, बच्चे की पेरेंट्स के साथ, वो मिसिंग थी और वो सपोर्ट नहीं थी। इसकी वजह से जो एक कंसिस्टेंटली एक इसको फीडबैक मिलना चाहिए था कि आफ्ताब सही लड़का नहीं है उसके लिए, वो मेरे हिसाब से मिसिंग था। ऑफकोर्स उसके फ्रेंड्स ने जब जब उनके पास इंफॉर्मेशन मिली, उन्होंने उस हिसाब से एक्ट किया, उसको कोशिश की, उसको लेके गए पुलिस स्टेशन हेल्प करने के लिए, बट उसने फिर आगे परसू नहीं किया केस। तो वो दर्शाता है कि एक जो सोसाइटी के अंदर जो बहुत ज़्यादा हम एक लोनलीनेस में रह रहे हैं, और जो सपोर्ट या जो हमारे इमोशनल कुशनिंग पहले होती थी, वो जो मिसिंग है, वो एक बहुत बड़ा कारण लगता है। सर, आफ्ताब का जो ये बिहेवियर है, ये किस तरह के क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, क्या वजह होती है? देखिए, आफ्ताब का जो प्रोफाइल है वो एक साइकोपैथ की प्रोफाइल से मैच करता है। ऑफ कोर्स जो लोग, जो प्रोफेशनल्स उसको साइकोलॉजिकली इवेलुएट करेंगे अच्छी तरह से, वो और अच्छी तरह से बता पाएंगे, बट जो अभी तक की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं उसमें देखते हुए एक साइकोपैथ है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, और बहुत इम्पेशेंट होते हैं और अपनी चलाते हैं और चाहते हैं कि जो वो कह रहे हैं वही उसी के हिसाब से दुनिया चले, और उनके अंदर किसी भी तरीके का आत्मग्लानि नहीं होती है। और वो कोई भी एक्ट करते हैं तो उनको उनकी डेवलपमेंट जो बाकी लोग भावनात्मक रूप से जो मेच्योर होते हैं उस तरह की नहीं होती, मतलब अलग हटके होती है, और बिल्कुल साइकोलॉजिकली नंब होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए मरे। और उनके अंदर उनकी, क्योंकि मानसिक विकास ना होके एक विकार का रूप लेता है, तो बाहर से देखने में, मिलने में, बातचीत करने में वो नॉर्मल व्यक्ति की तरह बिहेव करते हैं, बट उनके अंदर एक शैतान छुपा होता है जो जैसे ही मौका लगता है वो अपना सिर उठाता है और इस तरह की घिनौनी हरकत करता है। तो उसके केस में, आफ्ताब के केस में, ये बहुत ही एक प्लान सी मूव थी जो जो कि उसने फिर उसके बाद इतनी क्रूरता से ये सारे कुकर्म किया। सर, इस तरह के जो हादसे कुछ दिनों में कई ज्यादा आए हैं, काफी ज्यादा, क्या वजह है और किस तरह से इनको कम किया जा सकता है? देखिए, एक तो बहुत कॉमन चीज़ हम ये देखते हैं कि जैसे आप इंसिडेंट्स देखते हो, या आप कुछ लोग इन्फ्लुएंस होते हैं सीरियल से, मूवीज से, हर कोई नहीं होता, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर या तो हिडन क्रिमिनलिटी के ट्रेट्स होते हैं, या उनका ब्रेन जो है इन्फ्लुएंस होता है, या वो अपने आप को एक डिस्टॉर्टेड रियलिटी में ले जाके अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। ये भी बहुत कॉमन, उनको लगता है कि हम कोई भी ऐसा काम करें कि दुनिया में जाने, चाहे वो मर्डर करके क्यों ना हो। तो इस तरह के कुछ लोग होते हैं, वो जो हैं वो प्रीडिस्पोज होते हैं, या वो इस तरह की चीज़ को कॉपी करते हैं। तो इस तरह के लोगों का बहुत ज़्यादा मीडिया के साथ, या हम कहें मूवीज़ में, या बहुत ज़्यादा क्रिमिनलिटी को जो लोग देखते हैं, शोज़ को देखते हैं, वो एक फैक्टर रहता है इस तरह के केसेस में। इसके अलावा इम्पेशेंस इन द सोसाइटी, आपकी आज की डेट में पेशेंस नहीं है आपके अंदर, मैं, आई मी माई सेल्फ, मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा है, आप कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते किसी के साथ, आप हर चीज़ को चाहते हो मेरे हिसाब से दुनिया एडजस्ट करे, जो ये सब चीज़ें पहले नहीं होती थी। बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होने की वजह से सोसाइटी में वो जो फिर आपस में जो फिर रिलेशनशिप में दरार आती है, उसमें जो लोग बाय नेचर वायलेंट होते हैं या जिनके अंदर शॉर्ट फ्यूज होता है, वो फिर इस तरह के कुछ एक्ट्स कर देते हैं। और जब ये चीज़ मीडिया में आती है तो ऑफकोर्स लोगों को पता लगती है, तो कुछ लोग उसकी देखा देखी कॉपी भी करते हैं। Maybe because if somebody has done so, why not they? सो वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से कोई भी न्यूज़ को देखते हैं, या कोई व्यक्ति, अधिकतर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो तो इसको एक बहुत घिनौनी हरकत मानेंगे, कुछ लोग इसको एक तरह से समझ सकते हैं कि ये एक आइडिया उनके दिमाग में घर सकता है, जा सकता है दिमाग में कि ये अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो बट ये लोग वो लोग हैं जो ऑलरेडी साइकोलॉजिकली अनहिंज्ड हैं, मानसिक रूप से उनके अंदर ऑलरेडी विकार छुपा हुआ है, वो बढ़ रहा है, या वो ऑलरेडी क्रिमिनल माइंडेड हैं।